नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार दीदी। देखिए दीदी, मैं आज एक किताब पढ़ रहा हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। इसमें उनके जीवन, उनके विचार और उनकी जिंदगी के कई रोमांचक घटनाओं के बारे में लिखा है। ओ, यह किताब तो मैंने भी पढ़ी थी बचपन में। वाह दीदी, तुम किस अध्याय पे हो अभी? मैं तो अभी इसमें स्वामी विवेकानंद जी के किसी बनारस के किस्से वाले भाग पर हूँ। अच्छा, तो क्या तुमने वो बंदर वाला किस्सा पढ़ा? नहीं दीदी, अभी वो तो नहीं आया। आप ही सुना दीजिए। ठीक है, बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनो। ये बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी एक दिन बनारस की गलियों से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, धूप बड़ी तेज थी, गलियां सुनसान पड़ी थीं। अधिकतर लोग या तो काम पे गए हुए थे या अपने घरों में घोड़े बेच के सो रहे थे, पर स्वामी जी तो चलते रहे। वे बनारस की जनता को देखना चाहते थे। गली गली घूम वहाँ के लोगों से बातचीत करते, राह में पड़ते मंदिरों में भगवान के दर्शन भी करते और फिर से चल पड़ते अपनी नगर यात्रा पर। इस किताब में लिखी व्याख्या मुझे अब तक अच्छे से याद है। स्वामी जी कहते हैं, मैं एक सुखड़ी सी गली से गुजर रहा था। इधर भी वही सरलता और शांति महसूस हो रही थी जो बाकी के नगर में मौजूद थी। इस सुखड़ी सी गली को पार करते करते मैंने मंदिर का दिया हुआ प्रसाद भी खत्म कर लिया और अब मैं गली से निकलने ही वाला था कि अचानक से एक बंदर आया और उसने धीरे धीरे मेरा पीछा करना चालू कर दिया। बंदर? अरे बाप रे, पर स्वामी जी का प्रसाद तो खत्म हो गया था, फिर क्यों पीछा कर रहा था? हाँ, फिर भी बंदर तो उनके पीछे लगा रहा। वे आगे कहते हैं, मैं पीछे मुड़ा और उस बंदर की निर्दयी आंखों से मुझे डर लगने लगा। मैं कुछ तेज तेज चलने लगा और कुछ देर बाद देखा तो बंदर भी मेरी गति पकड़ रहा था। मुझे तेज चलते देख दो बंदर और आ गए, वे भी मेरे पीछे दौड़ने लगे। इन्हें देख मैंने अपनी गति थोड़ी और बढ़ाई। इसी प्रकार बंदरों की संख्या बढ़ती गई और मैं अपनी गति बढ़ाता गया। थोड़ी देर बाद मैं भाग रहा था और मेरे पीछे पीछे बंदरों की विशाल वानर सेना भाग रही थी। मैं पसीने पसीने हो गया और तभी कहीं से आवाज आई, भागो मत, सामना करो। मैंने वह आवाज सुनी और रुक गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देखा पता लगाने के लिए कि आखिर वह आवाज आई कहां से, पर पूरी गली तो खाली थी, सारे घरों की खिड़कियां भी बंद थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरे पीछे आए बंदर भी रुक गए और वह आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी, भागो मत, सामना करो। और फिर मैंने मुट्ठियां बांध ली और बंदरों की तरफ बढ़ने लगा। अब भागने की बारी बंदरों की थी। थोड़ी देर में एक एक करके सारे बंदर गायब हो गए। वाह, स्वामी जी को तो बड़ा साहस आ गया था, और वह भी उस एक वाक्य की वजह से जो किसी अनजान आवाज ने पता नहीं कहां से कहे। हाँ, क्योंकि वह एक वाक्य ही उनके लिए काफी था। स्वामी जी आगे कहते हैं, यह वाक्य जो किसी ने पीछा करते हुए बंदरों के संदर्भ में मुझसे कहा था, भागो मत, सामना करो, वह मेरे जीवन के प्रेरणा शब्द बन गए। जीवन में जब भी मुसीबतों से घिर जाता था तो मैं इस वाक्य को याद करता था, भागो मत, सामना करो, और मैं हिम्मत से मुसीबतों का सामना करता था और मेरे जीवन की मुसीबतें भी पीछा करते हुए बंदरों की तरह एक एक कर भाग जाती और फिर गायब हो जाती थी। कुछ समझे? हाँ दीदी, हमें हमारी मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। जब हम मुसीबतों का आंख से आंख मिलाकर सामना करेंगे तो हम में उनसे लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ
तो तुम भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह इस वाक्य को याद करना। जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे दीदी। जब हम इन महापुरुषों से सीख लेंगे तभी तो इनकी तरह आगे बढ़ेंगे। इनकी कहानियाँ हमें सुनाने के लिए धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया, तुमको तो सीख बिल्कुल समझ आ गई। और अब मैं तुमसे विदा ले सकती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ और नई प्रेरणादायक कहानियों और किस्सों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।